काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली निकली है भैरव के साथ जय में। माता दी। और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग पर। तो आज हम पहुंचे हुए हैं कटनी। कटनी पे माँ का एक दरबार है जिसे माई की बगिया कहते हैं, और हम एक शादी के समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आज शादी है और यहाँ पर माँ का एक बहुत ही अच्छा दरबार है। हमारे पीछे में आप देख सकते हैं माँ काली बैठी हुई है, साथ में भोले बाबा बैठे हुए हैं। और क्या क्या है, कैसा है यहाँ का व्यू, आपको इस ब्लॉग में पूरा हम विस्तार से दिखाएंगे। हमारे पीछे में यज्ञशाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी माँ के भक्त हैं कमेंट में जय माता दी जरूर बोले, और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास पेशकश को, और आप लोगों को दिखाते हैं माई की बगिया से। सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए राकेश वाजपेयी जी का, जिनकी प्रेरणा से ये माँ का दरबार बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेन गेट का घंटा है, और यहाँ पर आप चाहें तो अपने लिए प्रसाद ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर से आपको दिख रहा है माँ का दरबार, और ये माँ का बहुत ही प्यारा दरबार है। और यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिखी हैं कि किसी भी तरह का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्वेलरी या नगद दान करते समय समिति के सदस्यों से परामर्श आप लोगों को अवश्य लेना है। साथ ही यहाँ पर पेड़ भी है और नीम वृक्ष भी है, और ये यहाँ पर घंटा है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने जो चप्पल जूते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चप्पल जूते यहाँ पर आप लोगों को उतारना है। तो चलिए हम भी यहाँ पर उतार लेते हैं और माँ का नाम लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलो जय माँ काली। तो वही हमने घंटा बजा दिया है, और हम धीरे धीरे ये सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। और सामने में माँ काली का बहुत ही प्यारा श्रृंगार, बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। और माता रानी हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है, यही हम कहते हैं माता से। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमः सुते। तो भक्तों हम पहुँचे हुए हैं कटनी में माता रानी के दरबार में, और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित जी हैं उनसे जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में कि आखिर माता का दरबार ये कब से स्थापित है और क्या क्या यहाँ पर चमत्कार है। आपका शुभ नाम? शिव कुमार तिवारी जी। जी आप बताएंगे कि माता का ये दरबार कब से स्थापित है यहाँ पर? ये लगभग 22 से 25 वर्ष पूर्व की बात है। जी यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक सुनसान पहाड़ी थी। जी यहाँ के इस मंदिर के संस्थापक जो हैं स्वर्गीय राकेश बाबा वाजपेयी जी, जी इस मंदिर की प्रथम नींव रखी थी उन्होंने। जी उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि यहाँ पर विशेष कुछ मूर्ति स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर पहले काली जी की प्रतिमा स्थापित होती रही जी नवरात्रि में, और वो विसर्जित हो जाती रही। जी फिर उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों न यहाँ पर स्थायी रूप से एक प्रतिमा स्थापित किया जाए जी जो जिसका लाभ सब लोग ले सके। तो जी उनने एक ऐसी समिति का गठन किया जिसमें कई कम से कम 100-200 लोग हैं ऐसी जी समिति में, और उसमें उन्होंने श्रीमती माई जी काली माता जी की स्थापना करवाई। जी और काली माता की स्थापना में विशेष लोगों का रुझान, ये कटनी के आस्था का केंद्र हो गया। जी और मैं तो ये कहूंगा कि केवल कटनी की ही नहीं, आसपास में जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं जी सबकी एक विशेष आस्था का केंद्र है। और नवरात्रि में तो यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आकर के और अपनी मनोकामना को पूर्ति करते हैं जी और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जी माई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता रानी का, जैसे सब भगवान जी का अलग अलग दिन रहता है, माता रानी का कौन सा विशेष दिन है? वैसे तो सभी विशेष दिन होते हैं, पर भगवती का शुक्रवार का विशेष पूजन अर्चन होता है, जी और तिथि सप्तमी हो तो और भी बढ़िया है।
सप्तमी तिथि में यदि शुक्रवार हो जाए तो भगवती का विशेष अर्चन का दिन माना जाता जी। और जैसे कार्यक्रम होते हैं जो, तो यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम विशेष रूप से होते हैं? है। यहाँ पर 1 जनवरी को बड़ा धूमधाम से भजन संध्या का कार्यक्रम होता है जी और विशेष जन सैलाब देखने को मिलता है, खूब भीड़ भाड़ जी एवं मेला का आयोजन होता है। जी महाशिवरात्रि के महापर्व पर भी भारी संख्या में लोग बागों का आवागमन रहता है जी और दोनों नए नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष एवं प्रतिपदा से नौमी तक और कुंवार की प्रतिपदा से नौमी तक भारी भीड़ जन सैलाब यहाँ रहता है। जवारे भी यहाँ पर स्थापित होते हैं और कई कलश जवारे बोए जाते हैं, कई अखंड ज्योति यहाँ पर स्थापित की जाती है। मनोकामना ज्योति में यहाँ पर मतलब भक्तों की मनोकामना ज्योति जलती होगी यहाँ जी पर हाँ, मनोकामना ज्योति जलती है जी। और हनुमान जी का यहाँ पर टेम्पल हमने देखा, जी। तो वहां पर जो पहाड़ चट्टान में हनुमान जी हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे यहाँ जितने भी आप टेंपल देखोगे जी। सब चट्टान के नीचे है, हाँ जी ये तो ये नेचुरल है, इसमें अच्छा कहीं कोई बनावट नहीं है, पत्थर ही पूरे में जहाँ जितने मंदिर हैं जी सब पत्थर के नीचे ही माँ स्थापित है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जी वहाँ आपके मतलब पीछे साइड में माता जी हाँ, बैठी, उनके बारे में बताएंगे ये गर्भगृह है जी। माता जी का, पहले वहीं पे स्थापित हुई थी माता जी, छोटी जो माता दिख रही जी है जी वो भद्रकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति है, जी वो गर्भगृह है, उसमें विशेष पूजन अर्चन, वहां पर किसी को जाने का अनुमति नहीं हाँ वो होती, तो गर्भ वहां गर्भ में ही पर जाना चाहिए पुजारी जी ही जा पाते जी, हैं। तो मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भक्तों को, माता रानी के भक्तों को, माता रानी के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे मंदिर के माध्यम से? भक्तों के लिए यही संदेश है कि हम सबको एक न एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति प्रदाता भगवती ही है, तो सब इन्हीं की आराधना करके, इन्हीं की उपासना करके शक्ति अर्जन करें और भगवती से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय देंगे एक बार पुनः। शिव कुमार तिवारी, विश्राम बाबा, काली मंदिर, प्रधान पुजारी। बहुत जैसा कि बहुत पंडित धन्यवाद। जी जय ने माता दी। बताया यहाँ के बारे में, और यहाँ पर जितने भी मंदिरें हैं, जितने भी मंदिरें बनी हुई हैं, वो हर चट्टानों के नीचे बनी हुई है। उसी में एक है पवनपुत्र अंजनीपुत श्री राम भक्त हनुमान जी का दरबार, तो यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा है, और हनुमान जी की प्रतिमा भी चट्टानों की शिला के नीचे में विराजित है। और हनुमान जी सब भक्तों के संकट और कष्टों को दूर करते हैं, और आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं श्री राम भक्त हनुमान जी के काली बाबा काली मंदिर विश्राम बाबा आश्रम से, कटनी से। ये आप लोगों को जबलपुर और कटनी के नेशनल हाईवे आप पर आप लोगों को ये शादी मंदिर के लिए मिलेगा। जा यहाँ पर आप ये सभी मंदिर कम का रेट में शादी का कार्यक्रम भी कर ये सकते मंदिर हैं, और यहीं पर स्थापित मैं भी है आपको शनि दर्शन देव का करा के दरबार। शनि देव श्री सभी शनि भक्तों महाराज के जी कष्टों बैठे को हुए दूर हैं। करते हैं। आप सभी ओम को सम शनि दोष से शनिचाय पीड़ित हैं, तो नमः। शनि देव के दरबार में शनि जी को हमारे तेल यहाँ अर्पण पर करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। यहीं पर स्थापित है विघ्नहर्ता गणेश जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी सब भक्तों के संकट और कष्ट को दूर करते हैं और विघ्नों का हरण करते हैं। अब हम आपको चट्टानों के बीच में विराजित और भी दरबार हैं जिसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ का नेचर, यहाँ का व्यू बहुत ही खास है, और यहाँ पर शाम को पर्यटकों का डेरा लगे रहता है, क्योंकि पहाड़ों पे स्थापित माँ का ये दरबार बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जो भक्त एक बार आता है वो यहाँ पर के तो दर्शन हो गए। अब हम आपको यहाँ पर और भी टेम्पल हैं जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू है, और बहुत ही अच्छा ये दरबार है माता रानी का जिसके आप सभी दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। शायद हम गलत राह से आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जाएंगे सही राह से, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से आए हैं, और क्योंकि हमें मालूम नहीं था, कुछ नहीं होता, भगवान के दर्शन को जिस राह से चले जाओ उस राह में आपको दर्शन मिलेंगे, उस राह में आपको प्रभु की भक्ति मिलेगी, प्रभु जी मिलेंगे। तो देखिए किस तरह हम आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट और भगवान के दरबार के दर्शन कराने के लिए कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ पर जाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रभु बुलाए और हम ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, यहाँ पर तो कुछ और भी है। क्या है दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। उससे पहले देखिए यहाँ के दरबार, और
यहाँ के व्यू, और ये है भैरव बाबा। जय भैरव बाबा, आप अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में खुशियाँ लाएं, उनकी हर परेशानियों का अंत करें। भैरव बाबा हैं, और यहाँ पर मेरे साईं बाबा भी बैठे हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी वाले साईनाथ महाराज की जय। और अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग क्या देख रहे हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। तो यहाँ पर है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष यमामृतात्। जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, अरे पगली तब खो जाता हूँ महादेव की मस्ती में। लोग कहते हैं ये किसी से डरता नहीं, लोग कहते हैं ये किसी से डरता नहीं, क्या करें महादेव के लाड के प्यार ने हमें बिगाड़ दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव।